शनिवार को कर्नाटक प्रदेश में हुए विधानसभा के चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस पार्टी की जीत पर पार्टी दत्तेवाड़ी स्थित संजीव गांधी चौक पर जुटे कांग्रेसियों ने खुशी का इजहार करते हुए एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। ढोल बजाकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है के नारे लगाए गए। इस दौरान पूर्व उप नगर अध्यक्ष राजेश धोरा ने कहा कि कर्नाटक प्रदेश में सही समय पर सही फैसला लेने पर वहां की जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सोनिया गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत जनता की जीत है, भाजपा की तिकड़ी को पूरी दुनिया जान चुकी है, इनके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, जिसका परिणाम कर्नाटक प्रदेश में कांग्रेस की प्रचंड जीत है। इस मौके पर प्रकाश कोकाटे, दुर्योधन ढोरे, संजय जीवनकर, अशोक गढ़लिंगे, निशांत भरवत, पंकज फलके, अतुल ढेरकर, प्रमिला पवार, बेबीताई ढबाले, अरुणा पगाड़े, नीता मड़ावी, सपाले जीवनकर, फूलन पटले, रामकृष्ण गायधने, विनोद बांगरे, बाबाराव सवा शेरे, मधुर लिचड़े, नितिन कोपरे, लक्की पीसे आदि प्रमुखता से उपस्थित रहे। कर्नाटक मध्ये 10 तारखेला झालेल्या निवडणुकी संदर्भात आज 13 तारखेला जो कर्नाटक विधानसभेचा निवडणूक निकाल होता, त्यानिमित्ताने आज सकाळपासूनच संपूर्ण देशामध्ये एक काँग्रेसमय वातावरण होतं आणि जे ह्या देशामध्ये ईडी आणि इतर ज्या गोष्टी गैरमार्गाने होतात, काही यंत्रणा विरोधकांच्या मागे लागून ह्या देशाचं नरेंद्र मोदी सरकार हे विरोधकांना दाबण्याचा प्रयत्न करतात, परंतु या देशामध्ये जे काही चाललं ते सर्व आज कर्नाटकच्या ह्या निकालातून आज साध्य झालेलं आहे आणि आज कर्नाटक हा देशाला एक दिश। कर्नाटकमध्ये जो काही आज निकाल आलेला आहे हा या देशामध्ये जे हुकुमशाही सरकार होतं, या देशामध्ये जे संविधान विरोधी सरकार होतं, या सरकारचा नायनाट झालेला आहे आणि या देशातल्या। ब्युरो रिपोर्ट, पीसीएन न्यूज।